Hello everyone and welcome back to a bright sunny day in New York. The temperature outside is 10 degrees Celsius and it's very pleasant. और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे कॉलेज के बिल्कुल पास बिकॉज टुडे शानिश शोभित एंड निखिल टुक द स्टैटन आइलैंड फेरी फ्रॉम स्टैटन आइलैंड टू न्यूयॉर्क और जहाँ पे स्टैटन आइलैंड फेरी का टर्मिनल है मैनहट्टन में वहीं पे मेरा कॉलेज है सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी रेगुलर डे टू कॉलेज एंड आई हैव जस्ट गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम देम सेइंग कि वो लोग ऑलरेडी पहुँच गए तो मैं फटाफट अभी ट्रेन पकड़ता हूँ और वहाँ पे पहुँचता हूँ यूजुअली टेक्स अराउंड 30-40 मिनट्स फॉर मी टू रीच फ्रॉम हियर टू देयर सो लेट्स मेक दिस रियल क्विक और ये अभी हम आ गए मेरे कॉलेज वाले स्टॉप पे देखो पता है ये वाला जो स्टेशन है हमेशा फुल रहता है फुल मतलब लिटरली हाँ मैं जब आता हूँ सुबह कॉलेज के टाइम पे पूरा फुल रहता है एस्केलेटर भी फुल रहता है अभी छुट्टियाँ चालू है करके इतना खाली है निखिल भाई जस्ट मीटिंग एट अ कॉफी शॉप तो हम लोग बस फटाफट वहाँ पे जाते हैं एंड विल कैच अप विद देम So Shanice, how was your Staten Island Ferry experience? अरे बहुत सही था I mean I got to see so many things especially yeah. Statue of Liberty up close yeah. That's the best thing so yeah, indeed. That is the best thing ever that you can get I yeah. feel कि जो भी यहाँ पे आता है Staten Island Ferry tour लो और you'll get to see the Statue of Liberty up close and that too for free क्योंकि अगर आप Statue of Liberty का जो boat है वो लेते हो it costs you around $50 and I don't think it's so worth it going actually to the island so अगर आपको बस Statue of Liberty पास से देखना है तो it's always better to take the Staten Island Ferry हाँ. and just get to see the Statue of Liberty From close for free. And जब आप पास में आते हो तो ride is coming to get over. You get to see the whole skyline. Yeah. So it looks very beautiful. Yeah, absolutely. Right. पकड़ने सो ये हम लोग अभी आए हैं वॉल स्ट्रीट और यहाँ पे है वॉल स्ट्रीट का वेरी फेमस चार्जिंग बुल और ये जो आपने पीछे लाइन देखी वो सब बुल के साथ फोटो खींचने के लिए अभी एक्चुअली बुल के पीछे वाले पार्ट और सरप्राइजिंग बात ये है कि बुल के पीछे वाले पार्ट के साथ फोटो खींचने के लिए लाइन लंबी है आगे वाले पार्ट के साथ फोटो खींचने के लिए थोड़ा कम लाइन शोभित भाई आगे या पीछे कहाँ भाई आगे पीछे तो पीछे तो शोभित भाई को कब से बुल के साथ फोटो खींचना है पर ये लोग फोटो खींचते ही नहीं दे रहे सब पीछे में आ रहे और ये फाइनली शोभित भाई और साइली को और ये फाइनली शोभित भाई और साइली को आपका अपना फोटो मिला यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं काफ़ी सारे रूड होते हैं तो अगर लाइन में खड़े फिर भी बीच में घुस जाएंगे सीधा हटा के और सब ऐसा पैक करके रखते कि एक 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 करके घुसते हैं तो दूसरा आपको जाने नहीं देंगे तो फिर भी हम देसी है हमने अपना देसी तरीका अपनाया और फोटो लिया भाई इन लोग को यार टिकट लगानी नहीं चाहिए आज मेरे जैसे गरीब आदमी था 20-25 फैमिली फोटो में अलग अलग नेशनलिटी आप उनसे टिकट ले लो अच्छा मेरे फेमस हो मैंने सबके साथ फोटो खिंचाई है जहाँ जहाँ फोटो खिंच रही थी उन्हीं के लेंस में देख रहा था सबकी खराब करूंगा मेरी क्यों नहीं आ रही आपकी आई है अच्छी अच्छा सबसे सबसे बड़ी बात लोग पूछेंगे ये सब तो ठीक है ये कौन है जो तुम लोग के साथ गया था इसको कहाँ लेके गए इसको कहाँ लेके गए इसको हमने कहीं पे देखा है 20-25 फैमिली एक स्पेशल फ्रिज मैग्नेट मेहुल के लिए बिकॉज मैं कहीं भी जाता हूँ आई ऑलवेज यूज टू ब्रिंग हिम अ फ्रिज मैग्नेट पर अभी मैं खुद नहीं जा सकता इसलिए आई विल बी सेंडिंग इट इसलिए मैं निकल लिया फिर चाइनीज के साथ वो भेजूंगा और फिर मेहुल कलेक्ट कर लेगा तो वॉल स्ट्रीट का बुल देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रूजवेल्ट आइलैंड ट्रैमवे पे मैंने कभी इस ट्रैमवे के बारे में सुना नहीं था सो शानिश टोल्ड मी अबाउट इट सो इट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम ऑन द रूजवेल्ट ट्रैमवे जैसे कि अपने यहाँ पे रोप वे होता है दिस इज जस्ट लाइक अ रोप वे तो आप यहाँ पे बैठते हो रोप वे में बैठ के फिर आप रूजवेल्ट आइलैंड जो है विच इज पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क तो वहाँ पे जाते हो लेकिन ये महंगा वाला है भाई साहब अच्छा वो अपना $12-15 तो ऐसे ही ले लेते हैं वैष्णो देवी में खुला है क्या वैष्णो देवी में 100 रुपए कहाँ का ले जाते हैं अच्छा 1000 रुपए में कहीं नहीं ले जाते का देते हैं चलो देखते हैं अभी क्या दिखा बस ये असली जगह नहीं होना चाहिए जो पिछली बार ले गया था तू कौन सी बुल वाली मुझे ये वाला ट्रैम देख के अपना नेपाल वाले ट्रैमवे की याद है नेपाल में गुवाहाटी में गया था अपने दार्जिलिंग किधर तो सिक्किम में गया था सिक्किम में एक बार गया था गैंगटॉक राइट और पर नेपाल में सबसे किलर वाला हाँ नहीं नेपाल वॉज बहुत जगह की है बड़ी बहुत बड़ा बीच में से रुक भी गया था सो मुझे ये वाले ट्रैम में की एक नई चीज़ पता चली कि इसमें अगर आपके पास अनलिमिटेड वाला मेट्रो कार्ड है तो वो इसमें भी चलता है या फिर इट्स $2.75 पर राइड सो मेरे और साइली के पास अनलिमिटेड मेट्रो कार्ड है सो वी जस्ट स्वाइप आस तो हम लोग को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ा इधर आने का Yeah.
सो जस्ट लाइक आई सेड दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन द रूजवेल्ट आइलैंड ट्रैमवे और काफ़ी अच्छा व्यू दिखा. आई वुड सजेस्ट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रूर सनसेट के टाइम पे आना क्योंकि द सन सेट्स ऑन दैट साइड. मतलब ऑब्वियसली वेस्ट है पर इट इज़ ऑन दैट साइड तो वहाँ पे मैनहट्टन स्काईलाइन में काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है. राइट सो रूजवेल्ट आइलैंड से हम लोग वापस आ गए हैं. अभी हेराल्ड स्क्वायर, हेराल्ड स्क्वायर से हम लोग पेंट स्टेशन जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे एंड वील गो बैक होम. होम बोल रहा मैंने, नहीं सॉरी, होटल, निखिल भाई होटल. और फिर वहाँ से हम लोग थोड़ी देर चिल करके फिर मैं और शैली अपने अपने घर चले जाएंगे. इट वॉज अ फन डे ओवरऑल. ऑल राइट सो वन डे लेटर. एक्चुअली कल मैंने ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि कल वी वेंट टू सोहो और फिर उसके बाद हम लोग गए थे रायन के घर पे डिनर करने के लिए. तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉगिंग से ब्रेक ले लिया था क्योंकि एक्चुअली ये मेरा सेमेस्टर ब्रेक है और उसके बाद मेरा कॉलेज भी जल्दी चालू होने वाला है तो मैंने सोचा एक दिन ब्रेक चलता है. सो आज एक्चुअली निखिल, शोभित और शैलेश मेरे घर पर आने वाले हैं डिनर के लिए और उसके पहले शोभित भाई को कुछ शॉपिंग करनी थी. सो वी आर गोइंग टू कॉस्टको. वैसे कॉस्टको मेरे ब्लॉग्स में आपने पहले भी काफ़ी बार देख चुका है तो इसलिए मैं वहाँ पर ब्लॉग नहीं करूँगा. आई विल स्टार्ट ब्लॉगिंग आफ्टर दीज गाइज कम होम. और आज मैं स्पेशली उनके डिनर बनाने वाला हूँ खुद से. और हम सबको जैसे पता है कि निखिल भाई को दाल खाना बहुत पसंद है तो मैं खुद अपने हाथ से दाल बनाऊंगा और बाकी के मेन्यू में होगा पनीर मखनी चिकन करी या फिर एंड ऑल्सो सम स्पेशल खीर. तो मैं फटाफट अभी कॉस्टको जाके आता हूँ. दिस गाइज विल कम होम और फिर बाद में कुकिंग के टाइम पे आपसे वापस बात करता हूँ. वैसे निखिल भाई यहाँ पे आ रहे हो उससे एक बात तो अच्छी हुई, काफी दिनों बाद मैंने मेरा रूम थोड़ा अच्छा खासा साफ करके रखा है. ऑल राइट सो वी आर बैक होम फ्रॉम कॉस्टको एंड एवरी वन इज होम नाउ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू होस्ट देम बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि आई एम होस्टिंग एनी फ्रेंड्स हियर. और वैसे इट्स जस्ट 5:47 राइट नाउ बट आई स्टार्ट विद द कुकिंग प्रोसेस ताकि अभी से पकना चालू हो जाए और फिर बाद में आगे जाके जब डिनर टाइम हो तब अपने पास खाना रेडी हो. तो आई स्टार्ट विद कुकिंग राइस. मेरा जो रूममेट है ही हैड अ राइस मेकर होम तो फिर मुझे कुकर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसमें राइस बनाने वाला हूँ. एंड द प्रोसीजर इज कि आप इसमें यू टेक इतना राइस और फिर जितना राइस ले रहे हो उतना डबल यू पुट वाटर और फिर बस बटन दबा दो फिर राइस ऑटोमेटिकली कुक हो जाता है विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर. तो ये मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ. बट स्पेशली मैं पहली बार राइस लाया हूँ इस घर में खुद से. सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू कुक. तो अभी रेस बनने के लिए रख दिया है. जब बन जाएगा तब ऑटोमेटिकली ये बीप करेगा और फिर उसमें देयर इज एन ऑप्शन स्टीम. तो फिर अगर आपको थोड़ी देर बाद खाना है तो आप स्टीम पर रख सकते हो ताकि राइस हमेशा वार्म रहे. और लेट्स आई एम स्टार्टिंग विद प्रिपेयरिंग दाल लाओ. ये फर्स्ट टाइम है जो मैं इस घर में दाल बना रहा हूँ तो आई होप अच्छी बने. और हाँ बाय द वे यहाँ पे राइस रेडी हो गया. एंड बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली सैली मेरी थोड़ी बहुत मदद कर रही है सो थैंक यू सैली फॉर हेल्पिंग मी आउट. साथ एक और स्पेशल चीज़ है खीर. आई नो कि अंकल मेरे को वैसे खीर काफ़ी पसंद है बिकॉज इज मॉम मेक्स खीर. उतनी अच्छी तो नहीं बना पाऊंगा बट आई ट्राई माई बेस्ट. ऑल्सो बाकी लोग के लिए आई एम गोइंग टू मेक चॉकलेट मिल्क शेक विच आई नो ही वोंट हैव. इसलिए फॉर निखिल भाई आई एम मेकिंग स्पेशल खीर. सो अभी बस फटाफट इसमें क्या करना है, इसमें दूध डालना है और फिर खीर के इन्ग्रीडियंट्स और फिर खीर रेडी. और ये थी इस घर में मैंने बनाई हुई किसी भी चीज़ की पहली कुकर की चिट्ठी. माई मॉम वुड बी प्राउड एट लुकिंग दिस. एंड नाउ दाल के साथ थोड़ा सा स्टार्टर्स. आई एम प्रिपेयरिंग सम स्वीट कॉर्न. ऑल राइट सो द टेबल इज सेट नाउ. चिकन करी, पनीर टिक्का मसाला, दाल और खीर और राइस और चपाती. तो बहुत अच्छा डिनर होने वाला है अभी. सो गाइस हाउ डू यू लाइक द फूड? अमेजिंग.
My mom would be happy, very happy. मैंने पहली बार बनाया इस घर में. इस घर में पहली बार बनाया. बनाते रहो. पहली बार आज मैंने कुकर निकाला मेरी बैग से. भाई सेफ है ना? सेफ है. तो ठीक है ना. हम लोग को पता है वो इतना अच्छा कुक करता है. ऐसा खाना बनाते रहो और हम लोग को बुलाते रहो. हमें पता होता तुम आते रहो. एंड दिस गाइज जस्ट लेफ्ट द इवेंट होम. अभी यहाँ से उनको ऑलमोस्ट लगेगा आधा या पौना घंटा उनके होटल तक पहुँचने को और काफ़ी रात भी हो गई है. सो आई एंड द व्लॉग हियर. आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग क्योंकि मुझे कुक करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. कि जो दाल और राइस बना था इट वॉज एक्जैक्टली सेम एज अ मॉम मेक्स तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई. ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू साइली क्योंकि उसके मदद के बिना शायद मैं इतना सब नहीं कर पाता बिकॉज आई टू डू अ लॉट. मतलब जैसे कि आई टू मेक द दाल, आई टू मेक द राइस, आई टू मेक द खीर एंड द स्वीट कॉर्न फॉर स्टार्टर्स वगैरह वगैरह. बट मुझे काफ़ी ज़्यादा इट वॉज द फर्स्ट पार्टी दैट आई होस्टेड एट माई हाउस. ऑल्सो अभी आप लोग में से काफी लोगों को ये जानना हो कि मेरा रूम एक्जैक्टली दिखता कैसा है. आई नो मैं काफी डिले कर रहा हूँ पर मैं बहुत ही जल्द एक रूम टूर वाला वीडियो करूंगा तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा. दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट व्लॉग ऑफ द ईयर. सो आप सबको एडवांस में विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर बिकॉज अभी इसके बाद पता नहीं कि हम लोग का न्यू ईयर का प्लान क्या है, फिर वहाँ से घर पर कितने बजे आऊंगा और फिर न्यू ईयर वाला व्लॉग कब आएगा. आई होप आपका नया वाला साल बहुत अच्छा जाए. आई होप इट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस एंड आई होप इट हेल्प्स यू ग्रो एज अ पर्सन ऑल्सो. सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या फिर अगर क्लीशे वाले भाषा में कहूँ तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले साल. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो जरूर बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहे. डोंट फॉरगेट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देयर विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मैं काफ़ी सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ पर डालता रहता हूँ. तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन. My mom would be proud at looking this. Ma, the khana banana seekh gaya ma. Oh, what a hopeless place.